संस्कृत मित्राणी नमस्कार संस्कृत SDG क्लासेज पर मेघदूतम में उत्तर मेघ की चर्चा चल रही है और उसी क्रम में आज 18वां और 19वां श्लोक लेकर आए हैं और इसके पहले के सारे श्लोकों की व्याख्या हो गई। कैसे प्रश्न बनेंगे? हाँ, यदि इस वीडियो के माध्यम से आपको TGT की कक्षाओं में सहायता मिलती हो तो लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए, आपका समय न लेते हुए हमारे साथ बोलिए, तन्मदे च स्फटिक फल का कांचनी वासयष्टि मूले बदा मण भिरनति प्रौढ़वंश प्रकाशय तालय सिंजा वालय सुभगै नर्तितः कांतयामि यामध्यास्ते दिवस विगमे नीलकंठः सुहृद्वः। यहाँ बताया कि तन मध्य माने उसी के बीच में, तम मध्य माने उसी के बीच में। तो जो आप पीछे पढ़कर आए कि लाल अशोक और कुर्बक वृक्ष के बीच में, तो जो लाल अशोक था, जैसे यह लाल अशोक का वृक्ष था और एक तरफ जो है आपका क्या कहते हैं मौलश्री का वृक्ष था। क्लियर हो गया? तो तन मध्य माने उसी दोनों वृक्षों के बीच में, माने लाल अशोक और कुर्बक वृक्षों के अर्थात मौलश्री वृक्षों के बीच में स्फटिक फल का एक स्फटिक मणि की पटरी रखी हुई है। एक स्फटिक मणि की क्या है? पटरी रखी हुई है। क्लियर हो गया? कि स्फटिक फल का कांचनी वास यष्टि माने पक्षियों के बैठने का स्थान, इन दोनों के बीच में एक स्फटिक मणि की फट्ठी रखी हुई है, पटरी रखी हुई है और कांचनी वास यष्टि मूले बद्धा, और वह जिसमें बधी हुई है, जिसमें वह रखी हुई है माने ये जो डंडियाँ दिख रही हैं इसके ऊपर एक पत्थर का टुकड़ा रखा हुआ है। उसी वह जो पत्थर का टुकड़ा है वह स्फटिक मणियों का है और जो वह जिस पर वह टिका है वह सोने का है और मणभीर अनित प्रौढ़ वंश प्रकाशय और जिससे वह लगाया गया है, जैसे किसी चीज़ को न्यू अर्थात मजबूत करने के लिए हम सीमेंट आदि से उसको जाम कर देते हैं, उसी तरह उस स्फटिक मणि जिस पर रखी गई है उसको उस पृथ्वी पर मणियों से जाम कर दिया गया है। क्लियर हो गया? यह कथानक समझ गए तो यह पूरे श्लोक की लाइन समझ जाएंगे कि तन्मदे च माने और उसी के बीच में अर्थात लाल अशोक और मौलश्री वृक्ष के बीच में स्फटिक फल का स्फटिक मणि की एक फलक एक पटरी या पटरा रखा हुआ है और कांचनी वास अष्टि ही मूले बद्धा, कांचनी वास अष्टि अर्थात वो सोने के वास अष्टि जो पक्षियों का बैठने का स्थान है, मूले बद्धा उसके मूल को मणभी ही अनीति प्रौढ़ वंश प्रकाश है। वंश माने होता है बांस और प्रौढ़ वंश अर्थात माने पका हुआ बांस, पका हुआ बांस पीले रंग का होता है, पका हुआ बांस पीले रंग का होता है, लेकिन यहाँ दिया है कि अप्रौढ़ वंश माने जो पका ना हो अर्थात हरे रंग का। तो मणभीर आनति प्रौढ़ वंश प्रकाशय जो है वह वास यष्टि है
कि वह जो उसमें चमक है, जो उसमें मूल में बाधा गया है, वह मड़ियों के द्वारा रोका गया है, बांधा गया है, या उसे वहाँ पर खड़ा किया गया, उसके मूल को मड़ियों के द्वारा जाम कर दिया गया है। ऐसी अस्फटिक मलि फलक तुम्हें उन दोनों वृक्षों के बीच में दिखाई पड़ेगा। क्लियर हो गया। और तीसरा ही बाल बताया कि तालय सिंजा वाला सुबह गई नर्तित है कांतया में। और बताया कि कांतया में माने मेरी, मेरी प्रिया के द्वारा, मेरी कांता के द्वारा, तालय माने ताली के माध्यम से, सिंजा वलय, वलय माने कंगन, और कंगन की झनकार अर्थात सिंजा। तो बताया मेरी कांता के वलय में माने हाथों में जब तालियां बजाती हैं तो वलय के कंगन सिंजा माने बजते हैं, सिंजा माने बजते हैं, और सुभग नर्तित है। तो यहाँ नर्तित का नाचना हुआ। नाचता कौन है, नीचे की लाइन में दिया है कि यामाध्यस्ते, याम माने उसी पर अध्यस्ते बैठकर दिवस विग में, जब दिन खत्म होने को होता है, जब दिन बीत जाता है या शाम हो जाती है, तो उसी पर एक नीलकंठ सुहृत वह, यहाँ दम जो वह है यह वैकल्पिक रूप है कि तुम त्वाम, तो यह वैकल्पिक रूप बनता है षष्ठी में कि तुम्हारे, तुम्हारा एक सुहृत कंठ है, नीलकंठ है, पालतू मोर है। और तुम्हारा सुरहित कहने का मतलब हुआ कि यहाँ यक्ष बता रहा है कि हे मेघ, तुम्हारा एक मित्र मोर भी है, वही मोर, वही नीलकंठ, वह माने तुम्हारा सुरहित माने मित्र, तुम्हारा मित्र मोर जो नीलकंठ, नीलकंठ मोर को कहते हैं, जो तुम्हारा मित्र मोर याम अध्यास्ते जब उस स्फटिक फलक पर बैठता है दिवस बिगमे, दिन के बीत जाने पर, दिन के बीत जाने पर तुम्हारा मित्र मोर, यक्ष बता रहा है मेघ को, तो मेघ का मित्र कौन है, मोर है, कि तुम्हारा मित्र मोर। अभी इसके पहले श्लोकों में आपने पढ़ा था कि सख्यात, कि तुम्हारी सखी, तुम्हारी सखी का अर्थ हुआ कि देखो मेघ की पत्नी, तो यक्ष ने कहा कि जो हमारी पत्नी है तुम्हारी सखी है, यहाँ बताया कि यह जो मोर है तुम्हारी सखी है, तुम्हारा मित्र है। तो वह माने तुम्हारा सुरहित माने मित्र जो जो मोर है याम अध्यास्ते जब उस फलक पर, उस स्फटिक फलक पर बैठता है दिवस बिग में, दिन के बीत जाने पर अर्थात शाम हो जाने पर, जब वह मोर आकर उस स्फटिक मणि पर, उस पटरे पर बैठता है, उस वासयष्टि पर बैठता है, तो मैं कांतया मेरी प्रिया या मेरी अर्धांगनी, मेरी पत्नी तालय, मेरी पत्नी तालय, तालय के द्वारा वलय सिंजा जो हाथों में कंगन आदि पहने हुए हैं वह घुंघरूदार हैं, तो जब वह ताली बजाती है तो कंगनों से भी झनझनाहट की, झनकार की आवाज़ आती है, और उस आवाज़ को सुनकर सुभग, सुभगैर जो देखने में सुंदर हो ऐसे नर्तित है तुम्हारे मोर को नचाती है। यहाँ पर बस यही बताया गया कि उन दो वृक्षों के बीच, किन दो वृक्षों के बीच, के अशोक और मौलश्री वृक्षों के बीच हमने एक पक्षियों का बैठने का एक चबूतरा बनाया है जो स्फटिक मणि की है, जिसका जिसमें वह गड़ा है वो मणियों से उसको गाड़ दिया गया है, और दिया अनिति प्रौढ़ वंश प्रकाश, अर्थात जो बांस पखानों अर्थात हरे रंग की कांति वाली मणियों से उसे जाम कर दिया गया है, आबद्ध कर दिया गया है, जिसके मूल को हरे नीलमणि के मणियों के द्वारा जिसे जाम कर दिया गया है, रोक दिया गया है,
वैसी स्फटिक मणि पर जब दिवस बिगमे, जब दिन व्यतीत हो जाता है, बीत जाता है, शाम के समय याम अध्यासते, उसी स्फटिक मणि पर, उसी स्फटिक चबूतरे पर सुहृत, वह सुहृत जो तुम्हारा मित्र है, नीलकंठ है, माने जो मोर तुम्हारा मित्र है, वह मैं कांतया मेरी प्रिया के द्वारा, मेरी पत्नी के द्वारा ताली बजा बजा कर और शिंजा वलई, अर्थात हाथों में जो कंगन है और कंगन में जो छोटे छोटे घुघरू लगे हैं, उन ताली बजाने से वह कंगन भी झनक कर बज रहे हैं, ऐसी ध्वनि में शुभ गई नर्तितय, तुम्हारा वह मोर, तुम्हारा वह मित्र बहुत अच्छा नर्तति माने नाच रहा है, ऐसा दृश्य तुम्हें वहाँ पर दिखाई पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ शुरू हृदय में वह से किसका बोल रहा है, तुम्हारा, तुम्हारा कौन अर्थात मैं, तुम्हारा मित्र है कौन, मोर। कभी कभी पूछ देगा मोर किसका मित्र है, तो मेघ का मित्र है, इस तरह से प्रश्न बनेंगे। दोनों वृक्षों के बीच में जो पक्षियों का बैठने का स्थान था वह किससे बना था, तो स्फटिक से बना था, ऐसे प्रश्न आए हैं, इसको आप देखते रहिएगा। आइए अब अगले श्लोक में चलते हैं कि ए भेषाधो हृदय निहितैर लक्षणैर लक्षयेथा दारोपान्ते लिखित वपुषौ शंख पद्मौ च दृष्ट्वा क्षमच्छायं भवन मधुना मद्वियोगेन नूनं सूर्यापाये न खलु कमलं पोष्यते स्वाम वेख्याम। यहाँ बताया गया कि हे साधु, हे मेघ, हे साधु, हे सज्जन, देखो अब यक्ष जो है ना उस मेघ को सज्जन बता रहा है, साधु बता रहा है, अच्छा व्यक्ति बता रहा है कि हे साधु, ये भी माने जो पूर्वोक्त में जो हमने 15वें श्लोक से प्रारंभ किया था कि हमारा घर कैसा है, कि बहुत बड़ा तोरण द्वार लगा है और उसी घर के समीप बाल मंदार वृक्ष है, और बताया कि घर में वापी है, बगल में एक हमने पर्वत शिखर की रचना की है, और उसी घर में आपको मौलश्री, कुर्बक, बासंती, रक्ताशोक माने लाल अशोक के वृक्ष मिलेंगे। तो ये भी माने पूर्वोक्त में जो जो चीज़ें बताई हैं हृदय निहितई, हृदय में रख कर, पूर्वोक्त में जो सारी चीज़ें बताई हैं उसको हृदय में रख कर लक्षणई लक्षणे था माने लक्षण के द्वारा, पहचान के द्वारा कि पूर्वोक्त में जो जो चीज़ें बताई गई हैं लक्षयता पहचान जाओगे। हमारे घर को तुम कैसे पहचानोगे, तो पूर्वोक्त में जो चीज़ें बताई हैं उसको लक्ष्य करके, उसको याद करके, उसको स्मृति में लाकर लक्षयता पहचान जाओगे। दूसरी लाइन में आ जाइए कि द्वारोपान्ते, अर्थात उस द्वार के अगल बगल जब हमारे घर पर प्रवेश करोगे, जो द्वार दिखाई पड़ेगा, मेन घर का जो द्वार दिखाई पड़ेगा, उस घर के अगल बगल लिखित बपुसव, अर्थात एक द्वार के अगल बगल, बपुसव माने शरीर, लिखित माने लिखा हुआ, लिखा हुआ शरीर माने अगल बगल कुछ चित्र अंकित होंगे, चित्र अंकित होंगे या कुछ चित्रकारी की गई होगी, और वह जो चित्रकारी है शंख और पद्मों की है, शंख और पद्म की अगल बगल घर के बगल में जो है, जैसे यह हमारा घर है और घर का जो यह द्वार है, एक तरफ शंख का चित्र बना है और एक तरफ पद्म का चित्र बना है, तो लिखित बपसव, तो शंख पद्मों लिखित बपसव कि हमारे जिसके घर के बगल में माने द्वार के अगल बगल शंख और पद्म के चिन्ह बने हैं,
तो दृष्टवा ऐसा देखकर, ऐसा देखकर लक्ष्य ये था तुम हमारे घर को पहचान जाओगे। क्लियर हो गया। और बताया कि हृदय निहितई, पूर्वोक्त में जो हमने बातें बताई हैं, वापी है, मरकट मणि का शिला बना, इंद्रनील मणियों का शिला बना है, वापी में सोने के कमल हैं, सीढ़ियां बैदूर मणि की बनी हुई हैं, इस प्रकार से जो हम 15 श्लोकों से वर्णन करते हुए आ रहे हैं, उन सारे बातों को हृदय निहित है, हृदय में धारण करके, लक्ष्य लक्षण माने धारण करके जो है लक्ष्यता पहचान जाओगे। और बताया कि हमारे जब द्वार पर जाओगे तो लिखित बभुसौ शंख पद्मौ च दृष्टवा, द्वार के अगल बगल माने एक द्वार के इस तरफ, एक द्वार के इस तरफ शंख और पद्म के चिन्ह बने रहेंगे। दृष्टवा माने ऐसा देखकर, छामच्छायं भावन मधुना, अधुना माने इस समय, भावनम माने हमारा घर, इस समय हमारा जो घर है, छामच्छायं अर्थात जिसकी कांति चली गई है, वैसा भवन हमें दिखाई पड़ेगा। हे मेघ, छामस छायम भवनम अधुना, कि इस समय वही हमारा घर, जिस घर की हम चर्चा कर रहे थे, उसका उपवन है, पहाड़ है घर के बगल में, वापी है, मोर है, और रक्ताशोक अनेक प्रकार के जो है वृक्ष हैं, सोने के केले लगे हुए हैं, और बावली है माने तालाब है, उसमें सोने के पुष्प कमल फूल खिल रहे हैं, जिसकी डंडे बैदूरी की बनी है, उसी घर में अधुना माने इस समय, उसी घर में इस समय छामस छायम, उसकी जो कांति है, उसकी जो शोभा है, वह खत्म हो गई है। वह क्या हो गई है? शोभा खत्म हो गई है। मत वियोगेन नूनम, नूनम माने निश्चय ही मेरे वियोग से, अर्थात मेरे वहाँ न रहने से उस घर की शोभा खत्म हो गई। और बताया कि सूर्या पाए, कि जैसे न खालो कमलम पोष्यते स्वाम वेख्याम, स्वाम माने अपना, अभिख्याम माने शोभा, अभिख्याम माने क्या होता है? शोभा, कि अपनी शोभा को कमलम कमल न खलु, नहीं पाता, निश्चय ही अपनी शोभा को नहीं पाता था, अपनी शोभा को खत्म कर देता है सूर्या पाए। जब सूर्य की किरणें कमल को नहीं मिलती हैं तो कमल अपनी शोभा को खत्म कर देता है। आप जानते होंगे कि सूर्य उदित होता है तो कमल खिल जाता है, और सूर्य के डूबने पर ही कमल अपनी पंखुड़ियों को बंद कर लेता है, तो उस समय कमल की शोभा खत्म हो जाती है। तो सूर्या अपाए न खलु कमलम पुष्यति, कि अगर सूर्य के किरणें कमलों पर न पड़े तो दिया है कि स्वाम अभिख्याम, वो अपनी शोभा को, अपनी सुंदरता को खत्म कर देता है, खो देता है। उसी तरह हमारे घर की शोभा भी उसी सूर्य की तरह है। मैं ऐसा सूर्य हूँ, यक्ष रूपी ऐसा सूर्य हूँ, कि जो अपने घर में नहीं है तो उस घर की शोभा खत्म हो गई है। उस घर की जो छामम है, जो श्री है, जो शोभा है, वह खत्म हो गई है। इस श्लोक के माध्यम से बताया कि तुम नूनम माने निश्चय ही लक्ष्यता पहचान लोगे, तुम निश्चय ही उस घर को पहचान लोगे, क्योंकि पूर्व में वर्णित जो चीज़ें हमने बताई, हमारे घर में ये चीज़ें हैं, किस चीज़ से बनी है, जो लक्षण आदि बताए, और बताया कि उसी घर के द्वार पर एक तरफ शंख और पद्म के चिन्ह बने हैं, जब तुम ऐसा देखोगे तो निश्चय लक्ष्यता, निश्चय ही उस घर को पहचान जाओगे। और वही घर अधुना भवनम छामस छायम, वह घर इस समय की शोभा खत्म हो गई, छामस छायम जिसकी कांति, जिसकी शोभा समाप्त तो हो गई है, भवनम माने ऐसा भवन, और वह भवन किसका है? हमारा है। और वह भवन मत वियोगेन, मेरे वियोग के कारण, जैसे
सूर्य के बिना कमल की शोभा समाप्त हो जाती है, कमल की सुंदरता समाप्त हो जाती है। इसीलिए हे मेघ, मैं भी उसी घर में नहीं हूँ, मैं भी अपनी प्रियतमा के घर में नहीं हूँ, मैं अपने घर में नहीं हूँ, इसलिए उस घर की शोभा खत्म हो गई। घर की शोभा है, लेकिन जो शोभा होनी चाहिए, कमल का पुष्प है, सूर्य डूबा, कमल का पुष्प है, लेकिन उसमें जो सुंदरता होनी चाहिए, तो जब वो खिलेगा तभी वो सुंदर लगेगा। ऐसा नहीं है कि सूर्य के डूबने पर कमल के फूल नष्ट हो गए, उसका स्वरूप बिगड़ गया, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, नहीं। और जैसे ही कल सूर्य खिलेगा तो उसकी शोभा फिर बढ़ जाएगी। यहाँ पर यक्ष बताना चाहता है, हमारा घर बहुत सुंदर है, इस समय उस घर की शोभा कुछ कम हो गई है, क्योंकि मैं वहाँ नहीं हूँ। जैसे ही मैं उस घर में पहुँचूँगा, हमारे घर की जो श्रीहीन जो श्री है, जो शोभा है, वह बढ़ जाएगी। यक्ष को बता रहा है, इस समय मैं वहाँ नहीं हूँ, इसलिए हमारी अधुना माने इस समय हमारे भवन की शोभा थोड़ी सी कम हो गई। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से होंगे। दूसरी चीज़, यह एक सुक्ति है, यह एक क्या है, सुक्ति है, याद कर लीजिएगा कि सूर्या पायन खल कमलम पुष्यति स्वाभिमाख्यम। जैसे सूर्य का किरण न मिलने पर, सूर्य को न पाने पर, यदि सूर्य न दिखाई पड़े तो कमल की शोभा खत्म हो जाती है, उसी तरह हमको अर्थात यक्ष को यक्षिणी के घर में अर्थात मेरे घर में न पाए जाने पर या हमारे अपने घर से दूर रहने पर, उसी तरह हमारे घर की भी शोभा खत्म हो गई। घर खत्म नहीं हुआ है, हमारी उस घर की शोभा खत्म हो गई। जैसे घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, यदि यह किसी कारणवश बीमारी वश चले जाते हैं, लोग यही कहते हैं कि घर के यह रीढ़ थे, शोभा थे, घर के यह वृक्ष थे, घर इन्हीं के आधार पर चलता था, घर इन्हीं के नाम से ही जाना जाता था, इन्हीं के गुणों के नाम से पहचाना जाता था। तो वही शोभा आज दूर है, इस रामगिरी पर्वत पर है, और जैसे ही यह शोभा पहुँचेगी, फिर हमारा घर उसी तरह हरा भरा हो जाएगा, जैसा कुबेर के समय में जब मैं वहाँ रहता था, जो शोभा उस समय थी, जो कांति उस समय थी, जो चमक उस समय थी, वही चमक फिर पा जाएगा जब मैं उस घर में पहुँचूँगा। तो इस प्रकार से आप अर्थ को कर सकते हैं। ये भी माने पूर्वोक्त में कही गई बातें, साधो शब्द आया है मेघ के लिए, कभी कभी बनता है घर के द्वार पर कौन सी आकृति बनी है, तो शंख और पद्म की बनी है, कई बार प्रश्न आ चुका है। मत वियोगेन, मेरे वियोग से अर्थात किसके वियोग से जो है घर की श्रीहीनता चली गई, तो यक्ष के वियोग से। क्लियर हो गया? यक्षिणी का घर की श्रीहीनता किसके द्वारा चली गई जब यक्ष वहाँ से चला गया, इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे। सारे अर्थ बता दिए गए हैं, कैसा लगा कमेंट में लिखिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।